गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते थे, क्वेश्चन आपको बाद में देते थे, ठीक है। मैं उसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको कि अब जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको क्या करेंगे, जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके आंसर आपको ये वीडियो देखने से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं चेंज। सबसे पहले चेंजेस, चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चेंजेस आर टू टाइप्स। पहला रिवर्सिबल चेंज, सेकंड होता है इरिवर्सिबल। अभी हमने देखा टू टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज कौन से होते हैं, दैट कैन बी चेंज एंड अगेन गेट देयर पोजिशन, पोजिशन शेप साइज समथिंग, ठीक है। तो जो क्या होते हैं, एक बार क्या हो गए, चेंज हो गए, और दोबारा थोड़े टाइम के बाद क्या आते हैं कि वापस उसी शेप उसी साइज या उसी टाइप में जैसा हमने लिया था वैसा ही बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल क्या होते हैं, दे डू नॉट गेट, दे डोंट गेट देयर एक्चुअल फॉर्म। इसमें क्या होता है, वो जो उनकी फॉर्म होती है, जो उनकी पोजीशन या शेप साइज होता है, वो क्या कहते हैं, उसी शेप साइज में दोबारा नहीं आ सकते, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में काफी सारे चेंजेस हैं, वो भी हम करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। पहला डिफरेंस, दे गेट देयर एक्चुअल पोजीशन सेकंड, इसमें दे डोंट गेट, ठीक है, दे डोंट गेट देयर एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। सेकंड वाले में क्या होगा, इसमें दे गेट देयर एक्चुअल साइज, दे डोंट गेट ये क्या होंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया था एग्जाम्पल, बैलून का हो गया, ठीक है, वाटर का हो गया, ठीक है। बैलून का कैसे, इसमें एयर हमने भरी तो क्या हुआ, वो फूल गया, फूलने के बाद क्या हो गया, सेम उसी साइज में आ गया। वाटर, वाटर का क्या हुआ कि हमने उसको क्या किया, उसको आइस में कन्वर्ट किया, और आइस को जब हमने रूम टेम्परेचर पे थोड़े टाइम के लिए रखा तो वो वापस इसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर नहीं। ऐसे हम क्या करेंगे, कैंडल का ले लेंगे, ठीक है, कैंडल का ले लेंगे। और इसमें हम देखो थर्ड में इसके एग्जांपल क्या होंगे, ठीक है, टेबल हो गया, बेड हो गया, ठीक है, और इसके अलावा क्या हो गया, चेयर हो गया, और देखो हम क्या लेते हैं, जैसे हमने लिया मैंगो, मैंगो ले लिया, बनाना ले लिया, ठीक है। अभी इसमें देखो टेबल उसने बनाई, कारपेंटर ने बेड बनाया, चेयर बनाई, तो ये दोबारा कन्वर्टेड होकर उसी शेप में नहीं आ सकते। वैसे अगर हमने कच्चे मैंगो लिए, ठीक है, हमने कच्चे मैंगो ले लिए, कुछ टाइम के लिए उसको रखा तो वो क्या हो गए, पक जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये दोबारा उसी कच्चे हो सकते हैं, दोबारा वही अपना जो पोजीशन है ले सकते हैं, अपनी एक्चुअल स्टेट नहीं ले सकते, ठीक है। वैसे अगर हमने पके हुए बनाना लिए, उसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो वो क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद गल सड़ जाते हैं, तो क्या ये दोबारा अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। गेट देयर एक्चुअल साइज बट दे डोंट गेट
अभी ये साइज का अगर हम देखें तो ये अपना एक्चुअल साइज कैसे प्राप्त करते हैं और ये कैसे नहीं करते, जैसे हमने गुब्बारे का एग्जांपल लिया था, वाटर आइस कर लिया था, कैंडल कर लिया था, ठीक है, तो ये क्या अपने एक्चुअल पोजीशन दोबारा ले लेते हैं। पर एक्चुअली में जो ये इरिवर्सिबल होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कई बार, जैसे कि हमने देखा कि क्या होता है, इसमें दो ही केसेस होते हैं, या तो वो एक्सपैंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, या तो वो बड़ा हो जाता है या क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम क्या लेते हैं, हमने क्या लिया, एक बेड का एग्जांपल लिया था, ठीक है, हमने लकड़ी के पीसेस दिए थे उसको और उसने वो बेड बना के एक बड़ा बेड बना दिया, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही क्या किया, एक चीज और लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, अगर वो कन्वर्ट करते हैं, हम आइस वाला देखते हैं, ठीक है, हमने उसको वाटर दिया, वो उसने कन्वर्ट किया, उसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, वेट नहीं साइज, ठीक है। ऐसे ही और क्या देखते हैं, सीजन लिया हमने लकड़ी सीजन, ठीक है, क्या होता है, कुल्हाड़ी ली, ठीक है, ये क्या हुआ, लकड़ी में जैसे कुल्हाड़ी बनाता है वो, ठीक है, तो लकड़ी हमने क्या किस साइज की दी थी और उसने वो काट के छोटी करके कितने साइज की बना दी, तो क्या होता है, कुछ क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कुछ क्या करते हैं एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। इसमें दो ही होते हैं, एक होता है एक्सपैंड और दूसरा होता है एक होता है मेरे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि साइज कम होना, ठीक है, एक होता है बड़ा होना, एक होता है कम होना, इसमें क्या रहता है, सेम का सेम रहता है साइज, ठीक है। देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल और देखते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके, ठीक है। एक आप लोगों ने देखा होगा एक छुई मुई का पौधा होता है, ठीक है, जिसको हम टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और बाद में क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, बल्ब हो गया, बल्ब को क्या करते हैं, बंद करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, वही सेम पोजीशन रहती है, ना लाइट कम होती है ना ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, उसमें क्या होता है कि बीट जो होती है हमारी हार्ट बीट, आपने देखा होगा कि वो क्या करती है, एक ही कंटिन्यूस, जब तक हम कोई हार्ड वर्क नहीं करते तो वो नॉर्मल अगर हम है तो वो क्या है, नॉर्मली हमारी हार्ट बीट क्या करती रहती है, रन करती रहती है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब ये आ गया इरिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल का मैंने आपको मैंगो और बनाना का तो बताया ही था अभी, ठीक है, मैंगो और बनाना का बताया था। उसके अलावा कुछ और एग्जांपल होते हैं, जैसे इसके एग्जांपल है हमारे पास, इसके अलावा क्या हो गया, राइस बनाते हो, ठीक है, राइस क्या होते हैं, स्टार्टिंग में कच्चे होते हैं, ठीक है, बाद में पकने के बाद वो क्या हो जाते हैं, खाने लायक हो जाते हैं, क्या वो दोबारा कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं होते, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज हम खाने की बनाते हैं तो वो, ठीक है। अभी वुड होता है, वुड को अगर हम जला लेते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं तो क्या बन जाता है, इसकी ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, क्या राख को दोबारा हम वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और होता है अगरबत्ती, अगरबत्ती का नाम सुना होगा आपने सभी ने, जब हम उसको उस स्टिक को जलाते हैं तो वो क्या करती है, चारों तरफ क्या कर देती है, हमारे सुगंध फैला देती है, पर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जब वो खत्म हो जाती है तो वो क्या ऐश नीचे इकट्ठी हो जाती है, क्या दोबारा वो अगरबत्ती उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। अब ये है कंडीशन फेवरिंग ए चेंज, अगर कोई भी चेंज होता है तो उसके लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं, ये तीन कंडीशंस हैं, इंटरेक्शन बिटवीन सब्सटेंस, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस एंड हीटिंग ऑफ सब्सटेंसेस। पहला करते हैं हम इंटरेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। अभी इंटरेक्शन में क्या होता है, इंटरेक्शन में होता है जैसे कि जब कोई चीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगी तभी वो चीज क्या होगी, अलग होगी, ठीक है, इसके अलावा अदरवाइज वो अलग नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखते हैं, हमने क्या लिया, एक लकड़ी ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक लकड़ी ली, अभी उसको कट करने के लिए या तो उस पर एक्स लगाएंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, हेक्सा, हेक्सा से उसको क्या करेंगे, बीट करेंगे, ठीक है, तभी वो क्या करेगी, कट के अलग होगी, अदरवाइज वो क्या रहेगी, उसी जो साइज है उसी में रहेगी, अगर दोनों का इंट्रैक्शन नहीं होगा। ऐसे हमारा मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चीजें क्या की जाती है, आपस में मिक्स की जाती है, तो वो क्या होते हैं, वो क्या होती है, चेंज होती है, यानी कि क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसमें कैसे होगा, जैसे अभी कार्ड लिया हमने, कार्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप्स या कुछ अमाउंट में कार्ड डालेंगे, तभी वो क्या होगी, जो मिल्क होगा हमारा वो कार्ड में कन्वर्टेड हो जाएगा। हीटिंग ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, जब दो चीजों को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ये एक
इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मान लो हमने क्या लिया, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सल्फर प्लस आयरन, अगर हम इसको लेते हैं और अगर हम इसकी नॉर्मल रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, सल्फर प्लस आयरन वैसे का वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड, ठीक है। अगर हम इसको बिना गर्म किए मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं मिलते, ठीक है। जैसे हमने इसको हीट किया, हीट अप करते हैं हम इसको, तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, आयरन सल्फाइड में। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जैसा वीडियोस के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कुछ होम टास्क दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस विद एग्जांपल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है, उसकी डेफिनेशन देनी है आपको और उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं दोनों के, ठीक है। मिनिमम 5-5 एग्जाम्पल लिखने हैं जो डेली रूटीन में आप घर पे जो होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट विच इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इनमें से कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल है और कौन सी इरिवर्सिबल। मैंने आपको ये 8 पॉइंट दिए हैं, आपको इन 8 के 8 पॉइंट्स में से देखना है कौन से रिवर्सिबल प्रोसेस है जो दोबारा सेम कन्वर्ट हो सकती है और कौन सी चेंज नहीं होती, वो इरिवर्सिबल, ठीक है। उसके अलावा है हमारा थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द कंडीशन ऑफ चेंजेस, चेंज होने के लिए किन किन कंडीशंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आप सभी को ये क्वेश्चन वीडियो में मिल जाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।